श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। बात कर रहे थे हम गोचर के में होने हुई एक बहुत बड़ी घटना के बारे में, वो था राहु केतु का राशि परिवर्तन, जिसमें मैं अब तक आपको मेष लगन और वृषभ लगन के बारे में बता चुका हूं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि सदैव वक्र गति से चलने वाले राहु केतु, जो एक राशि में लगभग 18 माह तक रहते हैं और 18 माह के भीतर वो अपना शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का फल कर देते हैं, उसी गोचर के बारे में मैं आज आपसे बात करूंगा कि मिथुन राशि एवं मिथुन लगन वालों के लिए राहु केतु का ये गोचर किस तरह के रिजल्ट परिणाम लेकर आ रहा है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मिथुन लगन की कुंडली आपके सामने है, उसी मिथुन लगन के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे कि राहु केतु का गोचर जो पिछले 18 माह से कुंडली के दूसरे और आठवें घर में था, जिसके कारण व्यक्ति को पिछले 18 माह में कर्ज का भी सामना करना पड़ा होगा, कुटुंब में कलह, कुटुंब में परेशानी, पैसे से संबंधित दिक्कत या पैतृक संपत्ति को लेकर हानि के भी योग पिछले काफी समय में बने हुए थे। कहीं ना कहीं ये स्थिति बीमारी के लिए भी ठीक नहीं, किसी न किसी बड़ी बीमारी के कारण जातक को परेशान होना पड़ा होगा। अब हम बात करते हैं उन्हीं राहु केतु की जो अब मिथुन राशि एवं धनु राशि में अपना गोचर आ चुके हैं। जी हाँ, ये गोचर 8 मार्च 2019 को आ गया। अगर हम बात करते हैं इस गोचर के बारे में तो मिथुन लगन के अनुसार एवं मिथुन राशि, यानी के जिन लोगों की मिथुन लगन की कुंडली है एवं उनकी जन्म की राशि मिथुन राशि है, यहां मैं दोनों के फलों के बारे में बात करने जा रहा हूं। मिथुन लगन जो कि एक बुध का लगन है और वायु तत्व की राशि है, उसमें राहु देव का गोचर बहुत हद तक इस प्रकार की प्रक्रियाओं के लिए बेहतर होता है जहां जातक मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ हो या ऐसी सोच रखता हो जो एक लोगों को संभाल के रखे, एक समूह के अंदर काम करे। कुछ लोगों के अंडर में 10-15-20 लोग काम करते हैं, उनको किस तरीके से काम कराया जाए, कैसी योजनाएं बनाए जाएं, उनके लिए ये बहुत हद तक बेहतर हो रहा है। राहु का गोचर लगन में यदि आता है, चाहे वो लगन कोई सा भी हो, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के भीतर नई उमंग नया जोश देता है, लेकिन जल्दबाजी भी देता है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति भी अगर मिथुन राशि में ही होगी तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वभाव में ये बहुत बड़ा अंतर लाएगा। जातक को निर्णय लेने से पहले सोच विचार करना होगा, क्योंकि जातक के पास अपॉर्चुनिटी आएंगी तो बहुत, जातक को ये देखना पड़ेगा कि उसको किस प्रकार से उन अपॉर्चुनिटी को भुनाना है। समय काफी लंबा है, क्योंकि 18 माह का ये समय है, इसलिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का मतभेद किसी से भी ना करें, कोशिश करें अपना जो डिसीजन आज को आपको आज देना है उसको थोड़ा सोच विचार लें, भले ही कल या दो दिन बाद उस डिसीजन को दें, लेकिन जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। राहु की स्थिति जातक को बहुत हद तक सोचने पर मजबूर करेगी, नई नई स्कीम लगाएगा जातक, सोचेगा मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा, और बैठे बैठे अपना मैनेजमेंट पता नहीं कहां से कहां पहुंचा देगा। उसकी ये स्थिति है तो बहुत लाभ देने वाली, लेकिन उसको अपनी सोच के बारे में किसी अन्य व्यक्ति से सलाह लेने की भी जरूरत होगी, क्योंकि राहु जब लगन में बैठेगा तो उसका कहीं ना कहीं 5वें, 7वें और 9वें घर पर प्रभाव आएगा ही आएगा। 5, 7, 9 घर पर प्रभाव आने का मतलब है जातक को कहीं ना कहीं इनकी संतान का सहयोग मिलेगा, लेकिन स्वयं जातक को संतान के बारे में भी सोचना पड़ेगा। संतान क्या सोचती है, क्या करती है, उसके क्या विचार है, उसको भी उनको सुनना पड़ेगा। अपनी नहीं चलानी है, कोशिश करनी है तालमेल बिठा के अपना काम चलाएं तो ये बहुत बेहतर होने वाला है। कहीं ना कहीं सप्तम भाव पर भी उसका प्रभाव आएगा। कोशिश करें अपने व्यापारिक तालमेल या व्यापारिक गड़बड़ी की वजह से अपनी पत्नी से, अपनी बीवी से ना लड़ें। ये स्थिति जातक के लिए काफी बेहतर है, क्योंकि इसका संबंध भाग्य भाव से भी आता है। भाग्य भाव का मतलब है कि आप अगर कोई भी वर्क करते हैं तो भाग्य आपका उसमें साथ जरूर देगा, लेकिन वही चीज जो मैं आपसे बता चुका हूं कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी करेंगे तो स्वयं अपने भाग्य पर लात मार लेंगे, क्योंकि भाग्य भाव का जो मालिक है शनि, वो केतु के साथ गोचर वश सप्तम स्थान में चल रहा है।
केतु के बारे में यदि हम बात करें, केतु का गोचर कुंडली के सप्तम भाव में आया है और जहां पर पहले से ही शनि महाराज विराजित हैं। ये शनि महाराज लगभग अक्टूबर 2019 के अंत तक इसी राशि में रहने वाले हैं। शनि केतु का ये योग सप्तम भाव में आ रहा है। साझेदार यदि आपके व्यवसाय में कोई है, या कलीग्स हैं, या साथ में काम करने वाले लोग हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपसे टकराते हैं, उनसे अपना तालमेल बेहतर कीजिए। कहीं ना कहीं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपके बीच में तनाव आ सकता है, क्योंकि शनि महाराज कुंडली में अष्टम भाव और नवम भाव दोनों के मालिक हैं। आपको भाग्य का लाभ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई पुरानी बीमारी, पुरानी परेशानी, पुरानी अड़चन भी इस समय के दौरान निकलकर बाहर आएगी। संभवतः अगर आप साझेदार अपने बिजनेस में रख रहे हैं, हो सकता है साझेदारी वाले से कोई पुरानी परेशानी हो, वो इस दशा में निकल के बाहर आए। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसको अपने तालमेल से भटकने ना दें। कोशिश करें कि आप आपस में ऐसा तालमेल रखें कि कोई बात नहीं है, हो जाता है, इसको हम आपस में मिलकर सॉर्ट आउट कर लेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये गोचर ज्यादा समय का नहीं है। केतु हमेशा बहुत तेजी से काम करने वाला है, ये मंगल की तरह काम करता है, तो आपको एकदम जोश में लाएगा, जिसके कारण आप स्वयं अपने भाग्य का नुकसान कर लेंगे, अपने व्यवसाय का नुकसान कर लेंगे। क्योंकि केतु जब सप्तम भाव में गोचर करेगा तो उसका लाभ स्थान, लगन और तीसरे घर से भी संबंध बनेगा, यानी यात्राओं का समय आपके लिए फिर से आ गया है। आप यात्राएं कीजिएगा, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। कोशिश कीजिएगा छोटे भाई बहन से संबंधित परेशानी या उनके मसलों में कम से कम पड़े, क्योंकि यहाँ लाभ के अवसर आपको बनेंगे, लेकिन बीमारी के अवसर भी जरूर बनेंगे, क्योंकि जिस राशि में ये ग्रह दोनों विराजमान है, उस राशि का जो मालिक है बृहस्पति, वो गोचरीय कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहा है। छठा भाव जो कि रोग, ऋण और रिपु के लिए जाना जाता है। इसलिए सावधान रहें, अपने बिजनेस से संबंधित आप किसी प्रकार का कोई शत्रु ना बना लें। शत्रुओं से सावधान रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि लाभ के अवसर मिलेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन आप स्वयं की गलती के कारण अपना नुकसान कर लेंगे। कोई ना कोई बीमारी आपको अगर इस दशा में, पिछले समय में भी, क्योंकि इस कुंडली के अंदर बीमारी दिखाई दे रही है, वो बीमारी इस दशा में भी आपको परेशान कर सकती है, तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। आप अपना चेकअप वगैरह करा लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, लीवर से संबंधित परेशानियां है, कमर में दर्द है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो कहीं ना कहीं इन दशाओं में आप उन चीजों को लेकर परेशान रहेंगे। मिथुन राशि के बारे में भी हमने इसमें बात की है, तो मिथुन राशि के लिए भी मैं आपको बता दूं, जब चंद्रमा अगर किसी के लगन में होगा और राहु भी उसी के ऊपर हो जाएगा और सामने होंगे शनि केतु, तो व्यवहार में परेशानी आने के योग है। खामोखा चिड़चिड़ापन आना, बिना बात की झंझट, कुटुंब के लोग आपके ऊपर घिरे रहेंगे, कहीं ना कहीं आप परेशानी से बचेंगे और परेशानी आपके ऊपर दिन पर दिन लदती चली जाएगी। व्यापार के तौर पर आप संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन घरेलू मसले आपको कहीं ना कहीं इलझा के रखेंगे, जिसके चक्कर में आपको तनाव होने की संभावना पूरी तरीके से रहेगी। तो इसमें आपको अपना संयम रखना है, अपने आप पे बहुत हद तक कंट्रोल करें, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली का तीसरा भाव भी है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, डेली लाइफ को मेंटेन करने के लिए योगा, आसन, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसका सहारा लें। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ग्रोथ करेगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपको इन चीजों को झेलने की क्षमताएं भी बढ़ जाएंगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कंडीशन है कि आपको आने वाले 18 माह के भीतर विवाह का बड़ा अच्छा योग है। लेकिन जिनका विवाह हो चुका है, उनकी कुंडली में इस तरीके का कोई योग आए, तो पति की कुंडली हो या पत्नी की कुंडली हो, दोनों में विवाद संभव है, क्योंकि आने वाले समय में आपको संतान का योग भी बन रहा है। अगर आपको संतान नहीं हुई है तो संतान का योग भी बन रहा है। उसके साथ साथ पति पत्नी में वैचारिक मतभेद की स्थिति भी इस गोचर के कारण हो रही है। इसलिए आपको लाभ भी लेना है, भाग्य का लाभ भी लेना है, व्यवसायिक लाभ भी लेना है, घर गृहस्थी को संभाल के चलना है, बच्चों से तालमेल मिला के चलना है, पति पत्नी के बीच में आपसी तालमेल मिला के चलना है। इसका आपको बहुत हद तक ध्यान रखना है। अब जब इस प्रकार का गोचर आपके जीवन में आ जाए, जो एक तरीके से मिश्रित फल देने वाला हो, तो उसके लिए आपको कुछ सावधानियां जो मैंने आपको बताई है वो तो रखनी ही पड़ेंगी। उसके अलावा आप अपने दैनिक जीवन में एक चीज डाल लीजिए कि आप नित्य सुबह उठ के भगवान गणेश की उपासना कीजिए। कोशिश कीजिए बुधवार के दिन भगवान गणेश को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं, दूर्वा घास अर्पित करें मंदिर में जाकर,
और भगवान विष्णु का जो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण आप मानसिक तौर पे भी कर सकते हैं, माला के तौर पे भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है, क्योंकि दशा में आप जितना शांत रहेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि गोचर आ गया है, गोचर चाहता है कि आपको वो किसी भी चीज के लिए उकसाए, परेशान करे, स्वभाव में चिड़चिड़ापन लाए, लेकिन आपको उन सब चीजों से पार पाना है और अपनी तरक्की के ऊपर ध्यान देना है। इसलिए कोशिश करें राहु केतु के इस गोचर में ज्यादा से ज्यादा शांत रहें और उस गोचर का आप पूरी तरीके से लाभ उठा सकते हैं। जो पूजा पाठ मैंने आपको बताई है भगवान गणेश और विष्णु की, उस पर आप ध्यान दीजिए, उसको स्वयं कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शांत रहने की कोशिश कीजिए। तो इस प्रकार का गोचर जो राहु केतु आपके लिए लेकर आया है, ये कहीं ना कहीं आपको एक मिश्रित फल देने वाला है। हमने बात की मिथुन राशि एवं मिथुन लग्न वालों की कुंडली के बारे में। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, कुंडली के अंदर राहु केतु का गोचर अच्छे और बुरे परिणाम उस पर भी निर्भर करता है कि यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु केतु की स्थिति खराब है और कहीं ना कहीं गोचर वश भी खराब स्थिति आ गई है, तो वो गोचर आपके लिए बहुत नुकसान देने वाला होगा। अब गोचर भी अच्छा आ गया, राहु केतु की स्थिति भी अच्छी हो गई, तो कहीं ना कहीं वो आपको मालामाल कर सकता है, आपको लॉटरी दे सकता है, आपको भाग्य को अचानक से जगाने वाला हो सकता है। तो इसलिए आप स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए और कोशिश कीजिए कि अपने काम, अपने दिमाग को, ध्यान को एक ही जगह लगाकर कीजिए, इधर उधर भटकने का प्रयास नहीं कीजिए। अगले एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा कि कर्क राशि वालों के लिए राहु केतु का ये गोचर किस प्रकार के परिणाम लेकर आया है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर घर में अन्य कोई व्यक्ति विशेष भी हैं जिनको मिथुन लगन है, मिथुन राशि है, या मेष लगन मेष राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि है, तो आप उनको मेरा वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।